नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, यदि आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको इस मैसेज के ऊपर में जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको भी इस तरीके का मैसेज मिल गया होगा या फिर मिल सकता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया गया है, आप अपना जो है पैन कार्ड अपडेट कीजिए, और साथ साथ नीचे में इस तरीके से लिंक दिया हुआ रहता है। इस लिंक में क्या सच्चाई है, क्या ये असली मैसेज है, या फिर किस तरीके से इसमें आप अपडेट कर सकते हैं अपना पैन कार्ड का डिटेल्स, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। हमारे मोबाइल पे कुछ इस तरीके से मैसेज दिखाई दे रहा है, डियर SBI यूजर, योर SBI योनो अकाउंट विल बी ब्लॉक टूडे, प्लीज क्लिक हेयर लिंक टू अपडेट योर पैन नंबर। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है लिंक दिया हुआ, तो आपके सामने में कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको भूल से भी इस वेबसाइट के इस लिंक के ऊपर में क्लिक नहीं कर, ये जो है स्कैमर है। अगर आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कर देते हैं और किसी भी तरह का अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो उसमें आपके मोबाइल फ़ोन का डिटेल्स चला जाएगा, और साथ साथ आपका बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो आपका बैलेंस तक ख़त्म हो सकता है। इस तरीके का कोई भी मैसेज यदि आपके पास में आता है आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में, तो उस मैसेज को आपको इग्नोर करना है। और साथ साथ इस तरीके के मैसेज के ऊपर में यदि आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका, आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाइएगा, जहाँ पर आपका ब्रांच है वहाँ पर जाकर के आप इस मैसेज को दिखाइएगा कि मेरे मोबाइल में इस तरीके का मैसेज आया है। आपके अकाउंट में किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे हैंड टू हैंड आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है। यदि आप इस तरीके के मैसेज के ऊपर में क्लिक करके अपना डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, पैन कार्ड का डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, उससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा तो होने का चांस ही नहीं होता। साथ ही साथ फिर ईमेल आता है तो आपको ईमेल का रिप्लाई नहीं देना है, मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है। और यदि आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल आता है तो कॉल अगर आप फ़ोन अटेंड भी कर लीजिएगा तो आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं देना है, प्रॉपर आंसर नहीं देना है, सारा चीज़ आपको नहीं बताना। कंप्लेन करना चाहते हो तो report.publishing@sbi.co.in इसके ऊपर में आप ईमेल कर सकते हो, या फिर आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका जो आपको मैंने बताया कि आप सीधे ब्रांच में जाकर के विजिट कीजिएगा कि आपको इस तरीके का मैसेज मिला है या फिर ईमेल मिला है, और ब्रांच वाले आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी नया वीडियो आपके लिए लाता रहो। तो आते फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।